क्वेश्चन नंबर टू, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। ए टोटल ऑफ 500 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड विच वन ऑफ द फोर कॉलेजेस दे अटेंडेड एंड वेदर दे प्रेफर्ड सोशल और हॉकी। दीज आर टू गेम्स। द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कैटेगरी आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। दिस इज द टेबल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500। देर आर फोर कॉलेजेस। स्टूडेंट्स ऑफ फोर कॉलेजेस, टोटल स्टूडेंट्स 500। देर आर गेम्स प्लेड आर टू, सोशल एंड हॉकी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ए पार्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज एट कैंटन कॉलेज एंड प्रेफर्स हॉकी। देर आर फोर कॉलेजेस। दीज आर द नेम्स ऑफ कॉलेजेस, एमएस, बेन, कैंटन, डेवर। और देर आर टू गेम्स, हॉकी एंड सोशल एंड हॉकी। इसको आपने ऐसे रीड करना है, ये सोशल के नीचे जो कॉलम बना हुआ है ये नीचे टोटल है। एमएस के, एमएस कॉलेज में 54 स्टूडेंट्स हैं हु प्ले सोशल, बेन कॉलेज में 84 स्टूडेंट हैं हु प्ले सोशल, कैंटन में 22, डेवर में 120, टोटल हैं 280। इन द सेम वे हॉकी एंड स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी, एमएस कॉलेज 32 स्टूडेंट्स, बेन 72 एंड कैंटन एंड डेवर इन द सेम वे टोटल हो जाएंगे 220। यहाँ पे एमएस टोटल स्टूडेंट्स एमएस कॉलेज में जो सोशल एंड हॉकी खेलते हैं वो टोटल 86 दिए हुए हैं। इस रो में देखें टोटल है 54 + 32, दैट इज 86। इन द सेम वे बेन कॉलेज के स्टूडेंट सोशल और हॉकी के टोटल 156 हैं। तो ये कॉलम्स में टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कॉलेज के, और यहाँ पे टोटल दिया हुआ है इनका एमएस, बेन, कैंटन, डेवर, टोटल स्टूडेंट्स हैं 500। तो यहाँ पे वर्टिकली भी देखेंगे तो टोटल वो 500 बनते हैं, और हॉरिजेंटल इन 280 + 220, ये टू गेम्स खेलते हैं तो उनका टोटल सोशल में 280 है और हॉकी में 220 है, तो टोटल बन गया इनको 500। तो अब हमने फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज एट कैंटन कॉलेज एंड प्रेफर्स हॉकी। कैंटन कॉलेज एंड प्रेफर हॉकी, तो यहाँ से टेबल में से देखेंगे कैंटन कॉलेज यहाँ पे है, प्ले हॉकी, हॉकी जो द स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी वो 56 हैं, तो कैंटन कॉलेज एंड प्ले प्रेफर हॉकी तो वो 56 हैं, टोटल आपके पास 500 है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 56 ओवर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 56/500, दैट इज 0.112 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज एट डेवर कॉलेज गिवन दैट ही प्रेफर्स सोशल। यहाँ पे दो इवेंट्स आ रहे हैं, डेवर कॉलेज एंड ही प्रेफर्स सोशल। गिवन दैट, गिवन दैट मीन यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज जनरल फार्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वेयर ए एंड बी आर टू इवेंट्स। दिस लाइन शोज दैट गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए
given that b, this means that the probability of event b is already given. So in the question we have to find the probability that randomly chosen student is at Dever College given that he prefers. So sir, इसमें हमने Dever College students की probability find करनी है. Given that he prefers. So sir, ये probability हमें given होगी. तो सो डेवर कॉलेज, डेवर के लिए हम डी यूज कर लेते हैं और सोसर के लिए एस यूज करेंगे. तो सो यूजिंग दिस फार्मूला, वी आर यूजिंग दिस फार्मूला फार्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवर गिवन सोसर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एस ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस. नो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वी सेटल दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट प्ले सॉसर, वो हम यहां से देखेंगे टेबल में से. द स्टूडेंट्स हु प्ले सॉसर वो कितने हैं, 280 है. ये देखें, ये द स्टूडेंट्स हु प्ले सॉसर 280 है, इनको एड करके 280 आता है, 280 ओवर टोटल. तो यहां पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एस स्टूडेंट्स हु प्ले सॉसर 280 ओवर 500. अब हमने ये देखना है डी इंटरसेक्शन एस, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन मीन होता है एंड, एंड डेवर कॉलेज एंड प्ले सोसर एंड प्रेफर्स सोसर. तो ये डेवर कॉलेज यहाँ पे है, प्ले सोसर तो वो 120 होंगे. ये देखें डेवर कॉलेज एंड प्रेफर सोसर, डेवर एंड सोसर ये आ गया है 120. तो सो वी विल राइट हियर 120 ओवर 500. ये 500 जो है ये कैंसल आउट हो जाता है, तो वी गेट 120 ओवर 280, दैट इज 3/7. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज चूजन एट रैंडम, डिटरमिन वेदर द इवेंट्स द स्टूडेंट प्रेफर्स हॉकी एंड द स्टूडेंट इज एट एम एस कॉलेज और बैन कॉलेज आर इंडिपेंडेंट, जस्टिफाइंग योर आंसर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या कंडीशन होती है. दिस इज जनरल फार्मूला फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सपोज वी हैव टू इवेंट्स ए एंड बी. इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट वी राइट द जनरल फार्मूला फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. यहाँ पे दिस इज जनरल फार्मूला, यहाँ पे ए और बी जो है ये दो इवेंट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनका प्रोडक्ट पी ए और पी बी का प्रोडक्ट इफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देन वी कैन से दैट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो सो इन आवर क्वेश्चन द टू इवेंट्स आर स्टूडेंट प्रेफर्स हॉकी एंड एक इवेंट हमारे पास है, जिस तरह यहाँ पे ए नजर आ रहा है आपको, एक इवेंट जो ए है वो है स्टूडेंट प्रेफर स्टूडेंट प्रेफर हॉकी. एक इवेंट हमारे पास हॉकी है, इसको एच से रिप्रेजेंट कर लेंगे. और दूसरा इवेंट क्या है, एंड द स्टूडेंट इज एट एम एस कॉलेज और बैन कॉलेज. ये हमारे पास एम एस कॉलेज और बैन कॉलेज ये दूसरा इवेंट है. एज ए होल दिस इज द अदर इवेंट. जिस तरह हमारे पास यहाँ बी इवेंट है, ए हमारे पास क्या है, ए इज हॉकी, ए इवेंट
स्पोर्ट्स के हॉकी है, और इवेंट बी एस एम एस कॉलेज और बेन कॉलेज। याद रखें कि स्टैटिस्टिक्स में ओ और का मतलब होता है यूनियन या और। सो अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एज द स्टूडेंट हु प्रेफर्स हॉकी, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हॉकी को एज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हु प्रेफर्स हॉकी, ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे। हॉकी वो है स्टूडेंट्स हु प्ले प्रेफर्स हॉकी, वो टोटल है 220 ओवर 500, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 220 ओवर 500। अब हमने देखना है दूसरा इवेंट क्या है। दूसरा इवेंट हमारे पास है, ये एक हमने हॉकी जो प्रेफर करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी लिख ली है। दूसरा इवेंट है स्टूडेंट एट एम एस कॉलेज और बेन कॉलेज, और मीन एट एडिशन, तो हम इनको एम एस को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बेन को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एस प्लस प्रोबेबिलिटी की प्लस क्यों किया, क्योंकि यहां पे और का वर्ड आ रहा है। बेन एम एस कॉलेज और बेन कॉलेज, तो यहां पे दोनों को ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एम एस कॉलेज में ये देखें, एम एस कॉलेज में टोटल स्टूडेंट है 86, ये देखना यहाँ से ये दिस इज कॉलेज, टोटल स्टूडेंट हैं जो हॉकी और सॉकर प्रेफर करते हैं वो 86 हैं, तो टोटल हमारे पास है 500, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं 86 ओवर 500। इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर बेन, बेन की क्या प्रोबेबिलिटी है, बेन में टोटल स्टूडेंट या बेन कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी और सोशल खेलते हैं प्रेफर करते हैं वो 156 है, तो वही राइट है 156 ओवर टोटल 500 है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वी गेट 242 ओवर 500। अब ये दोनों की सेपरेटली हमने दोनों इवेंट्स की सेपरेट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, ये हॉकी की है, ये देखें पहला क्या है इवेंट हॉकी, दूसरा इवेंट जो है एमएस और बेन कॉलेज। एमएस और बेन कॉलेज को हम एज ए होल जिस तरह ये देखें जनरल फार्मूला में देखें, एक इवेंट ए है और दूसरा बी है, हमने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लिए। लेट्स सपोज वी रिप्रेजेंट दिस इवेंट, इसको हम इस इवेंट को हम पी ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इजी हो जाएगा इसको पी बी से। ये दो इवेंट है हमारे पास हॉकी एंड कॉलेजेस एम और बेन, एम एस और बेन, वो ये है एक इवेंट हमारे पास, ये है एक इवेंट हमारे पास, ये है, ये हमने राइट साइड जो है वो फाइंड कर ली है, तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट इससे कंपेयर करने के लिए आपको इजी हो जाएगा, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह लेते हैं 220 ओवर 500, इसको हम एम एस और बेन को दूसरा इवेंट है, इसको हम पी बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी बी है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। अब हमने देखना है कि लेफ्ट साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कि हॉकी और एम एस और बेन एंड सॉरी ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड हॉकी प्रेफर करते हैं और एमएस और बेन कॉलेज में से स्टूडेंट्स हों, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी उसको हम यूं लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेफर हॉकी एंड इंटरसेक्शन ए एंड बी, ए और बी वो ए और बी, तो ये हम इसको ऐसे ले लेते हैं ए बी। एक इवेंट हमारे पास ये हॉकी है, दूसरा इवेंट है
ए और बी, एमएस कॉलेज और बेन कॉलेज। तो इसको हमने देखना कि ये इसको कैसे फाइंड करना है। अभी मैंने बताया कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, हॉकी और ये दोनों कॉलेज, इन दोनों कॉलेज में से हों स्टूडेंट और हॉकी प्रेफर करते हों, ये टेबल में से आपने देखना है, टेबल में से एमएस और बेन में हों, एमएस और बेन में हों और हॉकी प्रेफर करते हों, ये देखें एमएस में कितने हैं, हॉकी प्रेफर करते 32, बेन में कितने हैं वो 72, इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाता है 104। तो टोटल क्या है 500, एमएस और बेन 32 प्लस 72 104, इनका टोटल बन गया 104, टोटल स्टूडेंट्स हैं 500। तो सो वी राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इंटरसेक्शन एमएस और बेन, इसको लेट्स सपोज हम इसको कर कह लेते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने एक्चुअली फाइंड किया है। ए एंड बी यहाँ पे जनरल फार्मूला में आ रहा है आपके क्वेश्चन में, जो ये शॉर्ट फॉर्म एज लिखा है, एज फॉर हॉकी, यहाँ एमएस और बेन लिखा है, वो मैंने इस चीज को यहाँ पे पुट करने के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसको 220/500, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मैंने इसको लिखा है। तो ये आ जाएगा अभी क्या है, कितने टोटल किया हमने 30 हॉकी, एमएस और बेन, टोटल कितना है 104, हु प्रेफर हॉकी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 500, सो वी विल राइट हियर 104/500। अब हमने देखना ये है कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं, हॉकी एंड स्टूडेंट एमएस कॉलेज और बेन कॉलेज, आर इंडिपेंडेंट और नॉट, बोथ दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट जस्टिफाइंग योर आंसर। तो हमने ये जस्टिफाई भी इसी में हो जाएगा, ये देखें अब हमने इस इक्वेशन में पुट करके देखना कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। अगर इक्वल होंगे दोनों दोनों साइड तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, अदरवाइज नो। तो सबसे पहले हम ये देखें, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 104 है, तो 104/500 है, तो राइट पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का। तो ये दोनों यहां पे लिखेंगे राइट साइड में, क्योंकि यहां इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 104/500 इज 220/500 मल्टीप्लाइड बाय 242/500। ये देखें यहां पे ये इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इनको प्रोडक्ट भी ले लें तो ये इन इसका और इसका दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर ले तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो सो हम कह सकते हैं कि नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो सो इवेंट्स ए एंड बी, सो द गिवन इवेंट्स क्या हैं हमारे क्वेश्चन में, हॉकी है और दूसरा इवेंट है एमएस कॉलेज और बेन कॉलेज, ये एज ए होल एक इवेंट है एमएस कॉलेज और बेन कॉलेज, द स्टूडेंट्स ऑफ एमएस कॉलेज और बेन कॉलेज दे, दिस इज एन अदर इवेंट, फर्स्ट इवेंट द स्टूडेंट्स हु प्रेफर हॉकी, लेफ्ट हैंड साइड सिंस नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द गिवन इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, सो गिवन इवेंट्स नॉट इंडिपेंडेंट।